विद्यार्थियों को ऑनलाइन बस पास बनाने की सुविधा देने की मांग को लेकर एसएफआई ने शुक्रवार को शिमला में परिवहन निगम के अधिकारियों से मुलाकात की। इस मौके पर एसएफआई ने कहा कि यदि बस पास बनाने की सुविधा ऑनलाइन होती है तो विद्यार्थियों का काफी समय बचेगा। कोरोना महामारी के चलते अब काफी समय के बाद स्कूल कॉलेज दोबारा से खुल गए हैं। ऐसे में अब विद्यार्थी बस पास भी बना रहे हैं। बस पास बनाने के लिए ऑनलाइन सुविधा ना होने से विद्यार्थियों को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, जिससे उनका काफी समय बर्बाद हो जाता है। ऐसे में अब छात्र संगठन एसएफआई ने शिमला में बस पास सुविधा को ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन करने की भी मांग की है। एसएफआई के एक प्रतिनिधि मंडल ने शिमला में परिवहन निगम के कार्यकारी निदेशक भूपेंद्र कुमार अत्री से भेंट की और मांग की है कि ऑनलाइन बस पास सुविधा दी जाए। एसएफआई के राज्य उपाध्यक्ष अंकुश ने बताया कि बस पास की सुविधा ऑनलाइन ना होने की वजह से काफी दिक्कतें पेश आ रही है। विद्यार्थियों को पास बनाने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है और उसमें उनका काफी समय लग जाता है। आज हम यहाँ प्रबंधक निर्देशक से मिले हैं, जिसमें हमारी मुख्य रूप से मांग रही है कि जो बस पास की सुविधा है वो ऑफलाइन पैटर्न के साथ साथ ऑनलाइन पैटर्न में भी होनी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं जो छात्र है इस कोविड दौर के अंदर जो हमारी कक्षाएं छात्रों की बहुत कम हुई हैं, और उसके बाद जो बस पास बनाने के लिए छात्रों को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जिससे क्या है हमारी एजुकेशन के ऊपर फर्क पड़ रहा है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आपके दिल्ली ट्रांसपोर्टेशन जो है उन्होंने ऑनलाइन बस पास की सुविधा की है। हम बोल रहे हैं कि हमारे प्रदेश के अंदर भी जब ऑनलाइन टिकट बुक हो सकती है, सारा कुछ ऑनलाइन हो सकता है और डिजिटल पेमेंट हो सकती है, तो ऑनलाइन बस पास की सुविधा क्यों नहीं हो सकती है। तो इसलिए इस मांग को लेकर हम यहाँ आज इनसे मिले हैं, तो जिसके अंदर हमारी मुख्य रूप से ये मांग थी कि जो इनका पोर्टल है उसके अंदर ऑनलाइन ई पास की सुविधा भी प्रोवाइड कराया जाए, उसके लिए आज हम यहाँ मिले हैं और उम्मीद करते हैं कि उसके ऊपर आने वाले समय के अंदर बेहतर रिजल्ट बना। हाँ जी, किस तरह का आश्वासन आपको दिलाया गया? आश्वासन हमें ये दिलाया गया कि अभी 10-15 दिन के अंदर इसके ऊपर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद कोई ना कोई हल निकालेंगे। जैसे ही होता है तो कॉलेज के प्रशासन से भी वेरिफिकेशन के लिए आता है, तो ये उसके लिए भी कुछ प्लान बनाएंगे और आने वाले समय के लिए आश्वासन दिया है कि इसको 10-15 दिन के अंदर हम इसके ऊपर कुछ एक्शन कार्रवाई करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।